A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 8, chapter number 7, and the name of the chapter 7 is cube and cube roots. We already did its exercise 7.1 in the previous lecture. If you still not watched that video, please go to my playlist of class 8 and select the chapter number 7. Now I am going to take each and every question of the exercise 7.2. I hope you listen to me very carefully and please watch the video from start to the end, because I am going to take each and every part of the each question. So this video is going to be more and more interesting. So let's come on our first question and look at the board, please. Chapter number 7, exercise 7.2. Find the cube roots of the following number by using prime factorization method. तो आपको cube root find out करना है using prime factorization method. This method is very easy. आप कितने सारे question, thousands of questions I hope आपने find out किए, solve किए हैं using prime factorization method. LCM, SCF आपने class 7, 6 में भी find out करे हैं. तो this method is very very easy. But the difference is what? आपको cube root find out करना है. It means आपको पेयरिंग बनानी है ऑफ थ्री. तो थ्री का आप एक ग्रुप बनाना है, और वही थ्री का ग्रुप यदि किसी एलिमेंट का बन जाता है तो वो क्या है, क्यूब रूट से बाहर आ जाता है. ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएंगे. कैसे बन जाते हैं, प्लीज लुक एट द बोर्ड. आई एम गोइंग टू टेक पार्ट वन ऑफ द क्वेश्चन नंबर वन. सो क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट आपको फाइंड आउट करना है क्यूब रूट. आपको पता है क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है, यहाँ थ्री लिखना होता है. ये क्या इंडिकेट करता है, क्यूब रूट. अदरवाइज ये या थ्री लिखेंगे तो ये क्या इंडिकेट करेगा, स्क्वायर रूट. सो आपको फाइंड आउट करना है क्यूब रूट ऑफ 64. तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन. और प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल आपको पता है, सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं. स्मॉलेस्ट नंबर इज 2 से डिवाइड करिए, किस पे जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. आप 2 पे डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. 2 पे डिवाइड करिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 1. इसका मतलब जब आपके पास और कोई डिवीजन पॉसिबल ना हो, इट मींस सारे प्राइम फैक्टराइजेशन आपके कंप्लीट हो चुके हैं. अब इन सब फैक्टर्स को आप यहां लिखिए, तो आप 64 को क्या लिख सकते हो, 2 2 कितने टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स. सो 2 * 2 * 2 into 2 into 2 into 2. और आपको पता है क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पेयरिंग कितने की बनानी है, ग्रुपिंग कितने की करनी है आपको, 3 की. तो 3 का ग्रुप बनाइए, ये 3 का ग्रुप बन गया. जैसे ही 3 का ग्रुप बनता है तो वो एलिमेंट क्यूब रूट से बाहर आ जाता है. इसी टाइप से यहाँ पे भी 2 का ग्रुप बन गया, तो ये भी क्या आ गया, बाहर आ गया. तो 2 into 2 आपका आंसर कितना आ गया, 4. तो आपका क्यूब रूट कितना आ गया, 4. ये आपका डिजायर्ड आंसर है. आपको सभी क्वेश्चन इसी टाइप से अटेम्प्ट करने हैं. सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट. नाउ लुक एट द बोर्ड, आई एम गोइंग टू टेक सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट आपका क्या है, 10648. आपको इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले 10648 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए. सबसे पहले 2 पे जाएगा ये, 2 5 सा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. अगेन 2 पे डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4. अगेन 2 पे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 1. अब ये किस पे जाएगा, अब ये किसी और पे नहीं जाएगा, ये सिर्फ देखिए ये 11 की टेबल पे आता है नंबर. इट्स इजी है काफी. 11 पे करिए इसको डिवाइड, 11 1 जा 11 और 23, 11 2 जा 22, 121. अब फिर ये 11 पे जाएगा, 11. अब फिर 11 पे जाएगा ये. इसका मतलब आपके जो फैक्टर्स आए आपके 10648 के, वो 2 3 टाइम्स आया, और 11 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स. अब ग्रुप बनाइए, 3 के ग्रुप बनाते हैं तो किस किस के ग्रुप बन जाते हैं, यस 2 का ग्रुप बन जाता है और 11 का ग्रुप. 2 के ग्रुप से 2 आ गया, 11 के ग्रुप से 11. इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 22. तो आपका 22 क्या है, आपका डिजायर्ड आंसर है. अब इसी का थर्ड पार्ट ले लेता हूँ, 512.
आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, थर्ड पार्ट 512। तो 512 के फैक्टर्स करिए, सबसे पहले 2 पे ही जाएगा ये, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, अगेन 2 पे जाएगा, 2 1 2, 2 128, 2 पे करिए किस पे जाएगा 64, 2 पे डिवाइड करिए किस पे जाएगा 32, 2 पे डिवाइड करिए किस पे जाएगा 16, अगेन 2 पे डिवाइड करिए 8, फिर डिवाइड करिए 4, फिर डिवाइड करिए 2, फिर डिवाइड करिए 1। इसका मतलब 2 कितने टाइम्स आया, 9 टाइम्स। इसका मतलब क्या आंसर आएगा आपका, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2। तो देखिए 3 का ग्रुप बन के ये 2 बाहर आ गया, इन 3 का ग्रुप बन के ये 2 बाहर आ गया, और इन 3 का ग्रुप बन के ये 2 बाहर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 8। तो क्यूब रूट ऑफ 512 इज व्हाट, 8। तो आपका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। तो फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या है, आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, किसने का, 27,000 का। इट्स इजी है, स्टेप वही रहेंगे, 27,000 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, करिए स्टार्ट। कहां से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे, करो स्टार्ट, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, फिर 2 पे करिए, 2 6 12, 2 4 7 14, 70, 2 पे करिए, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, अब 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे करिए इसको, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, अगेन 3 पे करिए, 3 3 9, और 2 3 7 21, 15, अगेन 3 पे करिए, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, अब ये 3 पे भी नहीं जाएगा, अब किस पे करिए, 5 पे, 5 2 10, 25, अब 25 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 पे, 5 5 25, 5 into 1। इसका मतलब 2 की ग्रुपिंग करते तो बन जाती है 3 की ग्रुपिंग भी है, और 5 की ग्रुपिंग भी बन गई। आप तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो यहाँ पे कि ये हम इसके क्यूब रूट करते हैं, तो इसके फैक्टर कितने आते हैं, 2 3 टाइम्स आता है, 2 into 2 into 2, 3 भी 3 टाइम्स आता है, 3 into 3 into 3, एंड 5 भी 5 3 टाइम्स आता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से 5 मिल गया आपको, यहाँ से आपको 3 मिल गया, और यहाँ से आपको 2 मिल गया। इसका मतलब कितना आ गया, 2 into 3 6 into 5 30। तो आपका आंसर आ गया 30। कितना इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही इसका एक पार्ट और लेते हैं, फिफ्थ पार्ट, 15,625। आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, 15625। करिए स्टार्ट सेम फैक्टर से करने, 15625। नेचुरली 5 है तो 2 से डिवाइड तो होगा ही, आप किससे डिवाइड करिए, 3 से या 5 से, 3 से करके देखते हैं, सॉरी 3 से डिवाइड नहीं होगा ये, क्योंकि 25 आ रहा है, 5 से करिए, 5 3 15, 5 1 5, और 5 2 10, 5 5 25, 5 पे करिए, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 पे करिए, 1 कितना हो गया, 1 2 5, अगेन 5 पे करिए, 25, अगेन 5 पे करिए, 5 5 पे करिए, 1। इसका मतलब हमें कितने ग्रुप मिल गए यहाँ से, आप देखते हो यहाँ से एक ग्रुप मिल गया हमें, यहाँ से एक ग्रुप मिल गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 15625 को क्या लिख सकते हैं, 5 6 10, 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5। इसका मतलब देखिए यहाँ से एक 5 मिल गया आपको, और यहां से एक 5 मिल गया,
तो 5 × 5 क्या आ गया 25, तो 25 आपका डिजायर्ड आंसर है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, आई एम गोइंग टू टेक सिक्स पार्ट। अब देखिए चाहे टर्म कितनी भी बड़ी क्यों ना हो आप उससे डरिए मत, क्योंकि स्टेप क्या है वही स्टेप अप्लाई करना है आपको, इतना इजी बन जाएगा यदि आप स्टेप सेम अप्लाई करते हो। अब आपका यहाँ पे कितना है 1, 3, 8, 2, 4, आपको करना वही रूल है। सबसे पहले 2 पे डिवाइड करिए, 2 6 12, 2 9 18, 2 1 1, 2 2 4, 2 पे डिवाइड करिए, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, अगेन 2 पे करिए, 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 8 16, 2 पे करिए, 2 8 16, 2 6 12, 2 2 4, 2 पे करिए, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 0 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 7। अब ये 27 डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 27 किस पे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 3 पे, 3 9 27, फिर 3 पे करो 3, फिर 3 पे करो 1। आपको लिखने का स्टेप आपको पता ही है, मैं यहाँ पे ग्रुपिंग बना लेता हूँ, यहाँ पे 2 की ग्रुप बन गई, 2 × 2 × 2, तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा। फिर देखिए सेकंड भी 2 की ग्रुप बनता है, 2 × 2 × 2, तो इनकी ग्रुपिंग से भी 2 मिल गया आपको। फिर एक 2 की ग्रुपिंग फिर भी है, 2 × 2 × 2, यहां से भी आपको एक 2 मिल गया। 3 की ग्रुपिंग भी है, इसका मतलब 3 × 3 × 3, यहां से भी आपको 3 मिल गया। 2 × 2 × 2 × 4 × 2 × 8 × 3, आपका आंसर कितना आ गया 24। तो जो ये 13,824 है, ये किसका क्यूब रूट होता है 24 का। कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे इसका एक पार्ट और देखिए, देखने से टर्म लगता है कि बहुत बड़े सारे फैक्टर आएंगे, लेकिन स्टेप बड़ा होगा लेकिन क्वेश्चन इजी होगा। करिए स्टार्ट, 1 1 0 5 9 2, सबसे पहले 2 पे डिवाइड करिए, 2 5 10, 2 5 10, 2 2 4, 2 9 18, 2 6 12, 2 पे डिवाइड करिए, 2 2 4, 2 7 14, 2 6 12, 2 4 18, 2 8 16, 2 पे करिए डिवाइड, 2 1 2, 2 2 6 और 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 12, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 6 12, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 0 8, 5 4, ओके करिए, 27। ये सेम फैक्टर 27 का आ गया, 27 का आपको पता ही है किस पे जाएगा, 3 पे, 3 9, फिर 3 और फिर 3 1। इसका मतलब मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, अटेम्प्टेशन का वे आपको पता ही चल गया। मैं ग्रुपिंग देखता हूँ किस किस की ग्रुप बनती है, यहाँ पे 2 की ग्रुप बनता है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई, यहाँ भी एक 2 का ग्रुप बन गया, मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 से डिवाइड करा है सभी हमने, तो यहाँ भी 2 का ग्रुप बन गया, फिर एक 2 का ग्रुप फिर बन गया, और लास्ट में एक 3 का ग्रुप भी है। इसका अंदर 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 16 × 3 48, तो आपका आंसर कितना आ गया 48 आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो 7 पार्ट हमने कर लिए, 2-3 पार्ट और है जो आपको खुद ही करने हैं, कितना इजी है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2, आपको जस्ट क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, लेकिन ट्रू और फॉल्स के लिए जब तक आपको जस्टिफिकेशन नहीं पता होगी कि ये कैसे हुआ, तो कैसे
सोल्व कर सकते हो, जैसे ये तो आपका तुक्का हो जाएगा, लेकिन तुक्का नहीं मारना, आपको अपना कॉन्सेप्ट समझना है, ताकि स्टेटमेंट यदि मॉडिफाई हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, चाहे एग्जामिनर कितने भी स्टेटमेंट को कंफ्यूज कर दे, लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसका आंसर इजिली ट्रू और फॉल्स दे सकते हो। इसलिए जस्टिफिकेशन जरूरी होती है कि वाई इट इज ट्रू एंड वाई इट इज फॉल्स। लुक एट द बोर्ड फर्स्ट। फर्स्ट पार्ट कहता है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या कहता है कि किसी ऑड नंबर का यदि आप क्यूब करते हो तो क्या आपको इवन नंबर मिलता है। अब देखिए कॉमन सी बात है ये, आपको मैं सिखाता भी हूँ। आप देखिए ध्यान से, मैं कुछ क्यूब करता हूँ, उसके बाद आपको देखिए ऑटोमेटिकली रीजन पता चल जाएगा। मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चनों में यूज होगा, तो आप भी देखिए दोबारा से। वन का क्यूब कितना होता है आपको पता है? वन। टू का क्यूब कितना होता है? टू इंटू टू इंटू टू करके एट, याद है आपको, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। थ्री का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। फोर का क्यूब 64 होता है। फाइव का क्यूब इज इक्वल टू 125। सिक्स का क्यूब इज व्हाट? 216। सेवन का क्यूब इज 343। एट का क्यूब इज 512। नाइन का क्यूब इज 729। टेन का क्यूब इज 1000। दिखाई दे रहा आपको? यस। इलेवन का क्यूब इज 1331। ट्वेल्व का क्यूब इज 1728। ऐसे हम और भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको जो ट्वेल्व तक का क्यूब होना चाहिए वो आपको याद होना चाहिए। याद का मतलब क्या है? ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि हर क्वेश्चन में ये यूज होते हैं, इसलिए इनकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए, इनको निकालने की जरूरत ना पड़े। आपके माइंड में जैसे क्यूब आता है तो आप ऑटोमेटिकली आपके पास फोकस कर जाए कि यस ये तो क्यूब किसका होता है, इस नंबर का होता है। जैसे मैं कहता हूँ आपको 512, तो आप कहोगे डायरेक्टली ये तो क्यूब किसका होता है? 8 का होता है। तो आपको इस टाइप से याद होना चाहिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन विद इन वेरी फास्ट कैलकुलेट करना है तो आपको ये पता होना जरूरी है। अब ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि ओड नंबर, मैं इसमें ओड नंबर देखता हूँ। ओड नंबर वन है 3, 5, 7, 9, ये सारे क्या है? 11। दिखाई दे रहा आपको? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे के सारे क्या है? ऑल ऑड नंबर्स हैं। एंड देयर क्यूब, आप उनका क्यूब देखिए, यहां पे भी क्या आ रहा है? ऑड है। 27 भी ऑड है, 125 भी ऑड है, 7 का क्यूब 343, 729, 131, सारे क्या आ रहे हैं? ऑड आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देयर क्यूब इज ऑड। और जबकि ये क्या कहता है? उनका क्यूब क्या होना चाहिए? इवन। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। इसलिए जब आप ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 12 तक का क्यूब आप साइड में लिखोगे और उसके बेस पे आपको ट्रू फॉल्स के आंसर देने हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट पार्ट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट। कहता है कि ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 20। यदि आप किसी का भी क्यूब करते हो और वो क्यूब हो जाता है तो उसका क्यूब का जो नंबर होगा वो कभी भी एंड 20 से नहीं होगा। क्या होगा? या तो 30 से होगा, या 60 से, या 90, मतलब मल्टीपल ऑफ 30 से वो क्या होगा? एंड होगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ नंबर आता है आपका 10 का क्यूब, आपको दिखाई दे रहा है कि 10 का यदि हम क्यूब करते हैं तो कितना आता है वो? 1000। इसका मतलब क्या है? 30 आई। यदि मैं 10 की बजाय 100 का क्यूब करता हूँ तो 100 का क्यूब करोगे तो आपको 60 मिलेगी, करके देख लीजिए। इसका मतलब कितनी जीरो मिली आपको? 60। इसका मतलब क्या है? कभी भी यदि क्यूब करते हो, परफेक्ट क्यूब है, तो वो कभी भी 20 से एंड नहीं होगा, या तो 3 से होगा, या 6 से, या 9 से, इस टाइप से मल्टीपल ऑफ 3 के 0 से वो एंड होगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सही कह रहा था कि ये एंड नहीं होता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है?
इज ट्रू। और एग्जाम्पल आपको दिखा दिए, तो एग्जाम्पल भी नोट करने हैं आपको साथ के साथ, सो प्लीज अगेन मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड थर्ड पार्ट, ये कहता है इफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड्स विद 5, यदि किसी नंबर का स्क्वायर एंड किससे होता है, डिजिट 5 से एंड होता है, तो उसका क्यूब भी एंड होना चाहिए 25 से। क्या ये जरूरी है? नहीं। क्यों नहीं है? इसका रीजन देखिए, मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, आंसर है इज फॉल्स, इट इज नॉट नेसेसरी। कि ये जरूरी नहीं है, क्यों नहीं है? देखिए मैं यहां पे 5 का क्यूब लेता हूं, 5 का क्यूब, सॉरी पहले सबसे पहले हम क्या लेता हूं, इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड्स विद 5, मैं 5 का स्क्वायर लेता हूं, 5 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है? 25 होता है। अब मैं इसका क्यूब करता हूं, 5 का क्यूब कितना मिलेगा आपको पता है? आपको 5 का क्यूब कितना होता है? 125। इस स्टेटमेंट के लिए तो ये ट्रू है, कहता है ना कि ये स्क्वायर ऑफ ए नंबर, हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो वो एंड किससे होता है? 5 से, ये एंड हो रहा है 5 से, और उसी नंबर का क्यूब करते हैं, उसी नंबर का हमने क्यूब करा, कहता है एंड किससे होना चाहिए? 25 से, तो ये एंड 25 से हो रहा है। तो पहला केस तो क्या हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है कि हाँ यस हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे नंबर है जो जरूरी नहीं है कि वो इसी से एंड हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं 15 लेता हूं मैं, सपोज करो 15, अब 15 का स्क्वायर करिए कितना होता है? 225, इतना ही होता है। इसका मतलब ये एंड 5 से हो रहा है, तो इसका क्यूब किससे एंड होना चाहिए? 25 से एंड होना चाहिए, लेकिन हम इसका क्यूब करते हैं 15 का क्यूब, 15 का क्यूब आई होप होता है, मैं करके देखता हूं, 15 into 15 225, और 225 को 15 से मल्टीप्लाई करो जरा एक बार, कितना आएगा? 15 5 75, कैरी 7, 15 2 30, और ये 37, कैरी 3 और 33, इसका मतलब ये आता है आपका 3375। अब देखिए 5 का स्क्वायर करने से नंबर एंड होता है 5 से, और उसका क्यूब करते हैं तो 25 से एंड होता है, तो इस स्टेटमेंट के लिए तो ये क्या है? वैलिड है, स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन जब हम स्टेटमेंट में 15 अब इसका क्यूब करते हैं तो 5 नंबर से एंड होता है, लेकिन इसका सॉरी स्क्वायर करते हैं तो 5 से एंड होता है, लेकिन हम जब इसका क्यूब करते हैं तो ये किससे एंड हो रहा है? 75 से, तो ये 25 से एंड नहीं हो रहा। इसका मतलब इस केस के लिए क्या है? नॉट वैलिड। तो जब आपकी स्टेटमेंट किसी चीज के लिए भी नॉट वैलिड हो जाती है, इसका मतलब क्या है? वो स्टेटमेंट फॉल्स है। इसलिए आंसर क्या आएगा आपका? फॉल्स। सो विद रीजन आपको नॉट करना है, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट देखिए, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद डिजिट 0, क्या कोई ऐसा क्यूब नहीं है जिसको जो एंड हो विद डिजिट 8 से? यस है। मैं इसका आंसर क्या लिखता हूं? फॉल्स, बिकॉज क्या हो, क्योंकि देयर एग्जिस्ट सो मेनी नंबर, देयर एग्जिस्ट सो मेनी नंबर्स, सो मेनी नंबर्स का मतलब क्या है? बहुत सारे नंबर्स है दैट एंड विथ डिजिट 0, दैट एंड विथ डिजिट 0 कह रहा हूं, डिजिट 8। एग्जाम्पल यहां देता हूं आपको, पहला नंबर तो आपको यहीं से दिखाई दे रहा है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये एंड हो गया विद डिजिट 0 से, 2 के बाद 12 करिए 1728, ये भी किससे एंड हो रहा है? 8 से एंड हो रहा है। ऐसे ही आप 22 का क्यूब करिए, 32 का क्यूब करिए, ऑल एंड विद किससे होएंगे? डिजिट 0 से, सॉरी एंड विद डिजिट 8।
यहाँ तक समझाया कि ये जो स्टेटमेंट कह रहा था कि कोई भी नंबर का क्यूब 8 से एंड नहीं होता जिसकी लास्ट में 8 डिजिट है, लेकिन हमारे पास तो इतने सारे नंबर है 2, 12, जिसका भी आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा यूनिट प्लेस पे, वो डेफिनेटली एंड किससे होगा, डिजिट 8 से ही होगा। ये स्टेटमेंट समझ आई, रीजन समझ आया। सो प्लीज अगेन मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, फिफ्थ पार्ट कहता है द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। कि क्या ऐसा है कि जब 2 डिजिट वाले नंबर का क्यूब करते हो तो क्या आपको आंसर 3 डिजिट में मिलता है? आंसर आएगा नो, नो। अब क्वेश्चन आता है क्यों भाई ऐसा क्यों? मैं यदि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात करता हूं, आपको पता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 10 होता है। मैं सबसे स्मॉलेस्ट की बात करता हूं, अब 10 का क्यूब आपको यहीं पर पता है, 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। कितनी डिजिट है इसमें? 4 डिजिट। तो ये कहता है कि 2 डिजिट का क्यूब 3 डिजिट में आ सकता है। तो ऑब्वियसली जब हम पहले ही नंबर का क्यूब करते हैं तो पहला ही नंबर 4 डिजिट में आता है, तो इससे बड़े नंबर क्या 3 डिजिट में आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है? फॉल्स। रीजन समझ आया। अब कहता है फिर सिक्स पार्ट, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, यदि आप 2 डिजिट वाले नंबर का क्यूब कर देते हो तो मे हैव 7 और मोर, क्या 7 या 7 से ज्यादा डिजिट आ सकती है? ऑब्वियसली नॉट। क्यों नहीं आ सकती? यहां देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, 2 डिजिट नंबर का क्या करना है, क्यूब करना है। तो 2 डिजिट नंबर का हम सबसे बड़े नंबर लेने की कोशिश करते हैं। वैसे तो 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या है? 2 डिजिट नंबर। अब हम ले लेते हैं 99। अब 99 का क्यूब करिए, एक बार प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट, नाउ लुक एट द बोर्ड। तो हमने लार्जेस्ट नंबर क्या लिया, 99, और 99 का क्यूब करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 970299। तो ये कितने डिजिट का नंबर है? 6 डिजिट नंबर। तो आपने देखा कि जो लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट नंबर है वो 2 डिजिट का, उसका क्यूब ही आपको 6 डिजिट में आता है। तो 2 डिजिट और कौन सी डिजिट बची, इससे सारी सारी छोटी छोटी बची, तो उनका नेचुरली क्यूब क्या आएगा, सम डिजिट में ही आएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। आंसर क्या आ गया, आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि क्यूब ही किसी का 6 डिजिट में आता है, जो सबसे बड़ा नंबर है तो उससे छोटे नंबर का क्यूब तो छोटा ही आएगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, सेवंथ पार्ट, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। क्या मतलब है कि यदि आप किसी एक डिजिट का, सिंगल डिजिट का क्यूब करते हो तो क्या आपको सिंगल डिजिट में आंसर मिल सकता है? आंसर इज यस। क्यों? आपको दिखाई दे रहा है 1 का क्यूब 1 ही आता है, 2 का क्यूब 8 आता है, सॉरी, तो दोनों में क्या है, सिंगल डिजिट है, और आंसर भी किस में आ रहा है, 1 डिजिट में आ रहा है। तो यस, कि कुछ एक नंबर है जिनका एक ही सिंगल डिजिट का नंबर होता है और उनका क्यूब करने से हमें सिंगल डिजिट ही मिलती है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, यस ट्रू। तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू, यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board. Question is काफी easy है और interesting question है। कैसे देखिए,
कहते हैं यू आर टोल्ड दैट, आपको बताया गया है दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब. ये क्या है आपका, एक परफेक्ट क्यूब है. कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हो विद फैक्टराइजेशन, आप इसके फैक्टर करके व्हाट इज द क्यूब रूट. तो इस नंबर का क्या क्यूब रूट है या नहीं है. नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन क्या था, कितना इजी क्वेश्चन है ना, कि कहता है कि एक नंबर दे दिया, ये एक परफेक्ट क्यूब है और आपको यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड से, कैन यू गेस विद फैक्टराइजेशन व्हाट इज द क्यूब रूट, क्या इसका क्यूब रूट होगा, क्या आप ये पता लगा सकते हो. आगे सिमिलरली गेस द क्यूब रूट, आपको इन सबका क्या करना है, गेस करना है कि क्या ये क्यूब रूट है या नहीं है, और विदाउट एनी कैलकुलेशन. क्यूब रूट नहीं करना आपको. अब कैसे करना है, बहुत इजी है. सबसे पहले आपका देखिए स्टेप स्टेप में याद रखना है. सबसे पहला स्टेप आपका नंबर क्या है, 1331. पेयरिंग बनाइए आप इनकी फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द राइट मोस्ट. ठीक है, पेयरिंग कह रहा हूं, ग्रुपिंग बनाइए, ग्रुपिंग ऑफ थ्री, तीन तीन की ग्रुपिंग बनाइए फ्रॉम द राइट मोस्ट. अपने राइट मोस्ट, मेरा ये राइट मोस्ट हो गया यहां से, और जिसकी ग्रुपिंग नहीं बनी उसको एडजस्ट रखिए. तो मैं यहां से ग्रुप बनाता हूं, तो पहला ग्रुप किसका बन जाएगा, इसका ग्रुप. अब वन का ग्रुप नहीं बन पाया तो इसको एडजस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर सेकेंड स्टेप, जो आपका लेफ्ट मोस्ट पार्ट है, लेफ्ट मोस्ट पार्ट, यहां पे लेफ्ट मोस्ट पार्ट क्या है हमारा, ओनली वन है. लेफ्ट मोस्ट पार्ट कह सकते हो या आप इसको ग्रुप कह सकते हो. ठीक है, यहां पे हमारा लेफ्ट मोस्ट पार्ट क्या है, वन है. तो आपको ये चेक करना है कि ये वन नंबर किसके क्यूब रूट के बीच में एग्जिस्ट आता है. सबसे पहले मैं इसको रब करूंगा, सो अगेन मेक अ नोट फर्स्ट. अब देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है आपको, आपको लेफ्ट मोस्ट का जो पार्ट है ग्रुप, उसको चेक करना है, उसकी जो रेंज है वो चेक करनी है, वेयर इट लाइज. अब देखिए सबसे पहले हम वन और टू का क्यूब करते हैं. वन का क्यूब वन होता है, टू का क्यूब कितना होता है, एट. हमारा नंबर क्या है, वन. तो वन तो कहां इस रेंज में आता है हमारा, क्योंकि वन से एट तक की रेंज है, तो वन में तो आता ही है. यस, तो आपको ऐसे रेंज को आइडेंटिफाई करना है कि वो आपका जो नंबर है वो किस रेंज में आता है. तो नंबर आइडेंटिफाई होने के बाद आपका थर्ड स्टेप, स्टेप थर्ड में आपको लोअर पार्ट का आउट करना है, इसका जो सी रेंज है उसका लोअर पार्ट सेलेक्ट कर लो, द लोअर रेंज नंबर. अब आपका लोअर रेंज नंबर यहां पे क्या है, वन है, तो आपको सेलेक्ट क्या करना है, वन. तो पहली डिजिट मिल गई आपको वन, इसका मतलब जो भी आपका क्यूब आएगा उसका पहला डिजिट है वन. ये थे स्टेप पहली डिजिट निकालने के. अब सेकंड डिजिट, अब अपना ये देखिए, स्टेप फोर करने के लिए मुझे रब करना पड़ेगा, सो प्लीज मेक अ नोट अगेन. अब आप क्या चेक करना है, स्टेप फोर, यूनिट प्लेस डिजिट देखनी है आपको, यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ राइट मोस्ट पार्ट या राइट मोस्ट ग्रुप. यहां पे आपका राइट मोस्ट ग्रुप क्या था, 331. तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है हमारी, वन आ गई, ये हमारी यूनिट डिजिट. अब ये देखिए यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट किसके क्यूब में आती है, वन के क्यूब में,
क्या टू में आती है, थ्री में, फोर में, फाइव में, सिक्स में, सेवन में, एट में, नाइन में, टेन में, किसी में नहीं आती। किस में आती है? एक ही डिजिट में आती है, ओनली वन का क्यूब। तो ये ओनली किस में आती है? वन के क्यूब में ही आती है। इसका मतलब जोन सी डिजिट जिसके क्यूब में आती है वो आपको सेकंड डिजिट देगी। इसका मतलब सेकंड डिजिट में क्या आई आपकी? वन। इसका मतलब नंबर क्या बन गया आपका? इलेवन। तो ये किसका क्यूब रूट है? ये इलेवन का क्यूब रूट है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये काफी मैंने स्टेप में लिखा, अब मैं स्टेप को अब छोटा करूंगा, डायरेक्ट निकालने की कोशिश करूंगा, देखिए कितना इजी हो बन जाएगा। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब देखिए कितना इजी बनता है। सबसे पहला स्टेप क्या था? मैं ग्रुप मीट में स्टेप के हिसाब से नहीं करूंगा। अब देखो हम आपको 4 9 1 3 पहला स्टेप क्या था? ग्रुपिंग। इसकी ग्रुपिंग बनाइए, लास्ट से बनानी राइट मोस्ट से, तो तीन की ग्रुपिंग अलग बन गई, इसकी ग्रुपिंग अलग बन गई, ठीक है। फिर आपको देखना है ये नंबर कौन सी ग्रुपिंग के बीच में लाई करता है, तो आपको दिखाई देता है वन का क्यूब और टू का क्यूब। वन का क्यूब क्या होता है? वन, और टू का क्यूब एट। इसका मतलब जो फोर है वो इनके बीच में लाई करता है, लाई करता है। इसका मतलब क्या है? इसकी लोअर डिजिट क्या है हमारी? वन। इसका मतलब आंसर किसका है? किस फॉर्म में आएगा? वन में आएगा। उसके बाद थ्री की पेयरिंग देखते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो यूनिट प्लेस डिजिट है, यूनिट प्लेस डिजिट, वो यहाँ पे क्या है? थ्री। और थ्री का क्यूब देखो, यहाँ पे लास्ट में यूनिट डिजिट थ्री आती हो, कौन से क्यूब में आती है? ओनली किसके क्यूब में? सेवन के क्यूब में ही यूनिट डिजिट थ्री आती है। इसका मतलब सेकंड डिजिट आपको देखने पे सेवन। तो ये जो नंबर है ये किसका क्यूब रूट है? 17 का। कितना समझाया? इजी है बिल्कुल। ऐसे देखिए मैं ये नंबर लेता हूँ अब 12 1 6 7, 12 1 6 7। ग्रुपिंग बनाइए, इनकी ग्रुपिंग अलग और इनकी ग्रुपिंग अलग बन गई। 12 देखिए किसकी रेंज में आएगा? 2 से, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। और 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो 12 किसके बीच में लाई करता है? 2 और 3 के क्यूब के बीच में लाई करता है डेफिनेटली। तो इसकी लोअर डिजिट क्या है आपकी? 2। तो आपका आंसर आएगा 2। अब यहां देखिए 7, यूनिट प्लेस 7 कहां पे मिलता है आपको? 3 वाली पे, और किसी पे नहीं मिलता आपको। इसका मतलब क्या है? 3। तो आपका आंसर कितना आ गया? 23। तो इस नंबर का क्यूब क्या है? 23 है। कितना इजी था? सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द लास्ट पार्ट। 3 2 7 6 8। स्टेप वही है, ग्रुपिंग बनाइए, 3 की ग्रुपिंग, 2 की ग्रुपिंग। अब नंबर क्या है आपका? 32। ये किस रेंज में आता है? नेचुरली ये 3 का क्यूब कितना होता है देखिए? 27 होता है। और 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है लिखा हुआ है। तो एक 32 किस रेंज में आता है? इस रेंज में आता है। तो लोअर वैल्यू क्या है इसकी? 3। इसका मतलब पहली डिजिट आ गई आपकी 3। अब देखिए 7 6 8, इसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 8 है। और 8 कहाँ पे मिलता है? ओनली देखिए ओनली 2 की ही क्यूब पे आपको 8 मिलता है। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या है आपकी? 2। सॉरी, यहाँ लोअर नंबर 2 नहीं है, यहाँ लोअर नंबर क्या था आपका? 3 है। तो इसका मतलब ये क्यूब ग्रुप किसका हो गया? 32 का हो गया। कितना इजी था? क्या स्टेप था? पहले आपने फर्स्ट ग्रुप को देखना है कि ये नंबर कौन से इन रेंज में आता है। तो ये 32 आपको पता है किस रेंज में आता है? 3 और 4 की रेंज में आता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 3। तो पहली डिजिट मिल गई। उसके बाद आपको ये देखना है यहाँ क्या है? 8। तो यहाँ देखो कहाँ पे आपको 8 डिजिट मिलती है? 8। ये किसके क्यूब में मिलती है? 2। इसका मतलब सेकंड डिजिट आपकी 2 है। तो आंसर कितना आ गया? 32। तो इस स्टेप से क्या कर सकते हो आप? किसी नंबर का विदाउट क्यूब रूट करें आप ये पता लगा सकते हो ये कौन, ये इसका क्यूब रूट क्या होगा। कितना इजी था और इंटरेस्टिंग था। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो वी डिड कंप्लीट आवर चैप्टर 7।
So we will start next chapter very soon. So I hope you will enjoy the video. And please, if you really like, if आपको अच्छी में लगी वीडियो और आपके कॉन्सेप्ट इन सारे क्लियर होते हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर सकते हो. मैं वन बाय वन ईच पार्ट और बनाऊंगा ताकि आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आए. तो ये मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल है गौरव गुप्ता मैथ क्लासेस. उसको आप प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू रियली लाइक. यदि आपको पसंद आया तो, यदि आपको लगता है इस चैनल को कोई बेनिफिट नहीं है तो आप प्लीज डोंट लाइक टू सब्सक्राइब शेयर एंड सब्सक्राइब. सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा. सो वी विल मीट वेरी सून टेक विद अ न्यू लेक्चर.